बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मालिक तुसी, जनाब सदर मुस्लिम लीग जून शाह गुलाम कादर साहब, सच्ची बात है कि जनाब सेक्रेटरी जनरल साहब, मैं आपको खातिर करना चाहूँगा कि आप मुस्लिम लीग जून में मेरे हाइजर शख्सियत हैं। जनाब मुश्ताक अला साहब, शकीर अदा साहब, शेरक खड़ी, जनाब चौधरी नुकसान साहब, सरार जमहूरियत के अजीम सरमंद जनाब फारूक सिकंदर साहब, और हमारे सरताज जनाब सरदार नईम साहब, जनाब चेयरमैन महमूद साहब, दकियाल से जनाब सरदार तय महमूद साहब, तो इमाम तशरीफ फरमा है। अरमान मुस्लिम लीग नून, सच्ची बात है कि मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस जोश और बलबले के साथ आपने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की टीम का इस्तकबाल किया है, ये लायक तहसीन है। और आप लोगों ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस फैसले को इंडोर्स किया है कि जिन्होंने जो नई तंजीम बनाई है। आज सच्ची बात है शाह गुलाम कादर साहब, आज जनाब शहदाद सिकंदर साहब, सच्ची बात है कि आपकी पूरी टीम जो है वो जिस तरह जो आपने हमें कहा, हम जो है वो आपके लिए काम कर रहे हैं, और जो आज से जो जमात के लिए काम करेंगे, और जो जमात जनाब मुश्ताक अला साहब, शाह गुलाम कादर साहब, इन तमाम लोगों को बैठा कर अवामी मशावरत से फैसला करेगी, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, और इंशाल्लाह आपको जो है वो फ्रेटा की सीट जो है वो तोहफे में देंगे। जनाब शाह गुलाम कादर साहब, मैं इसे समझता हूँ कि आज के इस स्टेज से अगर सरार जमहूरियत सरदार सिकंदर याद खान का जो है वो नाम लाने का जिक्र ना करूँ तो ये बड़ी ज्यादा होगी। सरार जमहूरियत अलका खरेटा के लोग उसे बड़ी मोहब्बत करते थे, और जो है उन्होंने जो ना सिर्फ हथियार करके खरेटा में बेशुमार काम किए हैं, इस पर मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और सरार जो है सरार जमहूरियत के अजीम फजान जो है फारूक सिकंदर साहब, मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि जिस तरह खरेटा के लोग जनाब सरार जमहूरियत से मोहब्बत करते हैं, इसी तरह आपसे मोहब्बत करते हैं। मैं इन अल्फाज के साथ जाना चाहता हूँ, बस ना